चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। बीते दिनों उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि आने वाले कई दशकों तक बीजेपी राजनीति के केंद्र में रहेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राहुल गांधी को लग रहा है कि लोग बीजेपी को सत्ता से निकाल फेंकेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पीके ने राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाकर उनकी भारी बेइज्जती कर दी, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता झल्ला गए हैं और पीके पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी को सत्ता से 40 सालों तक दूर रखी है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बयान जारी कर कहा है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी ने 40 सालों तक बीजेपी को सत्ता से दूर रखा। आज जब वो सत्ता में हैं, तो देश के क्या हालात हैं वो सबके सामने है। जब कांग्रेस का नाम लिया जाता है तो ये उम्मीद कांग्रेस से ही की जाती है कि भविष्य में कोई बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता है, वह कांग्रेस का मजबूत संगठन ही कर सकता है। अलका लांबा ने अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि ये उम्मीद दूसरे राजनीतिक दलों से क्यों नहीं की जाती है। इसके अलावा लांबा ने ये भी कहा है कि आखिर ये क्यों कहा जाता है कि आएगी तो बीजेपी ही, क्यों सबको लगने लगा है कि देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं इनकी मुट्ठी में है। बता दें कि पिछले दिनों गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान पीके ने बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि सत्ता से हटाने के लिए पहले आपको नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा लगाना होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि आप भ्रम में मत रहिए कि लोग उनसे नाराज हैं। इसके बाद से ही राजनीति तूफान मचा हुआ है। हालांकि पीके की बात कांग्रेस को इसलिए चुभ रही है क्योंकि पीके इन दिनों टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ हैं और टीएमसी कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई है, लिहाजा प्रशांत किशोर की बातों को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।